पौष्टिक पकवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये देखिए यहाँ पर आप पंचमेल अचार की सब्जियाँ देख रहे हैं जिसमें कि फूल गोभी, गाजर, मटर, हरी मिर्च और मूली है। और ये जो आप खेत देख रहे हैं सामने, ये सारी सब्जियाँ मैंने यहीं से ली है। उधर मटर लगे हुए हैं, साथ में मूली है, गाजर है, फूल गोभी है, हरी मिर्च है। तो इन सबको मैंने खेतों में से लेकर ताज़ा ताज़ा अच्छे से इनको छील कर धोकर और मैंने इनको कट करके और खूब अच्छे से धूप लगा ली है। तो यहाँ से मैंने सब्जियाँ ली हैं और अब हम इनका पंचमेल अचार तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर का बहुत ही स्पेशल पंचमेल अचार या मिक्स अचार। पंचमेल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 वेजिटेबल्स ली हैं और आप चाहें तो इसमें और बढ़ा सकते हैं अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स। यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स ली हैं आप देख रहे हैं, गाजर है, फूल गोभी है, मूली है, मिर्च है, प्लस मटर। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें शलजम का भी यूज़ कर सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स मैंने अपने खेत से लेकर और उनको अच्छे से वॉश करके और छील कर और अच्छे से मैंने कट करके इनको धूप लगाई है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है फ्रेंड, आप इसको धूप, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, सब्जियाँ बिल्कुल सूख गई हैं। नींबू मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है कि यहाँ पर मैं विनेगर का यूज़ नहीं करूँगी, वाइट सिरके का। आप चाहें तो नींबू की जगह वाइट सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले भी मैं मिक्स अचार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने गरम मसाले का भी यूज़ किया था, थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया था, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। आज मैं थोड़े अलग तरीके से बनाऊँगी और आपको बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी बताऊँगी कि आप फटाफट बनाकर और इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी वेजिटेबल्स लेके इनको अच्छे से धो के, पोंछ के, धूप लगा के और कट करके रखा है। अब इनमें जो मसाले यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है 1 टेबल स्पून, राई ली है यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून, इससे काफ़ी खटाई अच्छी आएगी। आप चाहें तो जो सरसों आती है वो भी ले सकते हैं, या आधी सरसों या आधी राई भी ले सकते हैं। मैंने राई ली है, पिछली बार जब मैंने अचार बनाया था तो राई और सरसों दोनों लिए थे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, हल्दी का कलर इससे काफ़ी अच्छा आता है, हल्दी डालने से अचार का कलर काफ़ी अच्छा आता है। और 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, हींग लिए मैंने 3 पिंच, सौंफ लिए मैंने 3 टेबल स्पून, और जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, और नमक लिया है यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो जो ये वेजिटेबल्स हैं इनमें आप नमक और हल्दी मिलाकर 2-3 घंटे के लिए रख दें, फिर ये अपना जो पानी है, मॉइस्चर है, रिलीज़ कर देंगी, फिर आप बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट बनाऊँगी क्योंकि वही टेस्ट आता है। बस आप ये ध्यान रखें कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको मसाले बता दिए हैं। अब आगे की प्रोसेस में हमको क्या करना है, राई, मेथी दाना, जीरा और सौंफ, इन चारों को मैं दरदरा पीस लूँगी। अगर आप चाहें तो इनको रोस्ट करके भी पीस सकते हैं। टोटल हमारा पर्पज़ ये है कि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तो मैंने इन मसालों में भी धूप लगाई, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। तो अब मैं इन चारों मसालों को दरदरा पीस लूँगी। अगर आप इसमें गर्म मसाले का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अपने मिक्स अचार में पिछली बार रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने गर्म मसाले लिए थे, तो अगर आप गरम मसाले लेते हैं तो उनको भी आप हल्का सा रोस्ट करके और इन मसालों के साथ, चारों के साथ पीस लें। तो मैं इन चारों मसालों को दरदरा पीस लेती हूँ, फिर हम आगे हमारा अचार तैयार करते हैं। तो ये देखिए, सौंफ, मेथी दाना, राई और जीरा, इन चारों को मैंने दरदरा सा एक पाउडर तैयार कर लिया है। जो 1 नींबू लिया था उसका मैंने रस निकाल लिया है। इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून वाइट सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अचार हम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मूली ली थी, 1/2 किलो गाजर ली है और 200 ग्राम फूल गोभी लिया है और 100 ग्राम के करीब हरे मटर लिए हैं और 200 ग्राम ही मैंने या 250 ग्राम यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है। और इन सब्जियों की जो भी मात्रा है आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा कर सकते हैं, दूसरी सब्ज़ी कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कितनी क्वांटिटी में ली है सब्ज़ी और कितनी क्वांटिटी में मसाले लिए ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और मैं आपको बहुत इजी रेसिपी बता रही हूँ ताकि कोई भी इसको इजीली बना ले। तो मैं आपको फटाफट से इसका अचार डाल के बताती हूँ। अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कांच की बर्नी का यूज़ किया है क्योंकि मैं इस अचार को धूप में रखूँगी 4 से 5 दिन तक। तो जब भी आप अचार बनाएं तो आप ध्यान रखें कि आप उसको कांच की बर्नी में ही डालें,
कांच की बर्नी से आपका अचार जो सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा समय तक चलेगा। और अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में अचार डालते हैं तो जल्दी ख़राब भी हो जाता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसको मैंने धोकर पोंछ कर और धूप में अच्छे से रख दिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे। तो चलिए हमारा अचार हम तैयार करते हैं। तो अचार बनाने की मैं आपको इजी रेसिपी बता रही हूँ। आप चाहें तो पहले तेल को गर्म करके हल्का ठंडा करके और फिर उसमें सारे मसाले मिक्स करके डालें, या आप पहले सब्ज़ी के ऊपर डाल दें फिर आप उस पर तेल डाल दें, जैसा भी आप चाहें। तो यहाँ पर पहले मैं मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। हल्दी मैंने इसमें ऐड कर ही दी है, पिसी लाल मिर्च, आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, हींग और नमक। नमक अचार में हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। अभी जो हमने चारों मसाले पीस के रखे थे ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अचार बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। पहले भी मैं जो रेसिपी मैंने तैयार की थी उसकी लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। वो मैंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाया था। और लास्ट में है ये नींबू का रस, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। एक कटोरी यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था, इसको मैंने पहले गर्म किया और फिर ठंडा कर लिया है, तो ये तेल भी मैं इस मसाले के ऊपर डाल देती हूँ। सरसों का तेल यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा गर्म करके उसको ठंडा करके और फिर मसालों पर डाला है। अगर आप चाहें तो आप इसको बिना गर्म करे और बिना ठंडा करे भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसका तीखापन पसंद नहीं है तो फिर आप इसको गर्म करके ठंडा करके डालें, और अगर आपको इसका तीखापन पसंद है तो आप फिर इसको एज इट इज ही डालें। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले गर्म करके और ठंडा कर लिया था। अभी सारे मसालों को और सारी वेजिटेबल्स को और तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अचार में जो हमने नींबू का यूज़ किया है उससे इसमें खटास भी आएगी। वैसे तो राई मैंने जो ली है तो ये राई काफ़ी अच्छी, जब ये नेचुरल अपनी खटास छोड़ेगी तभी अचार खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। और जो नींबू डाला है उससे भी खटास भी आएगी, हमारा अचार जल्दी गलेगा भी सही, प्लस ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। तो ये देखिए मसाले मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स किए हैं इसमें, और अचार की काफ़ी सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। ये पंचमेल अचार खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी हेल्दी भी रहता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है, जिस भी, जैसे आपको अगर गाजर का अचार पसंद है तो आप इसमें से गाजर निकाल सकते हैं, जिसको गोभी का पसंद है वो इसमें से गोभी निकाल सकता है, जिसको मूली का पसंद है वो मूली निकाल सकता है, जिसको मिर्च का या मटर का पसंद है तो वो मिर्च या मटर निकाल सकते हैं। तो जिसको भी जो पसंद है वो इसमें से निकाल के और खा सकता है। और जब ये सारी सब्जी मिक्स होके एक अचार बनता है तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है, इसलिए पंचमेल अचार आप सर्दियों में ज़रूर बनाइए, इन दिनों में सब्ज़ियाँ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। अगर इस अचार में आप गरम मसाला पसंद करते हैं तो वो किस तरह से बनाना है तो उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए। जो मैंने पिछले लास्ट सर्दियों में मिक्स अचार बनाया था वेजिटेबल्स का, तो उसमें मैंने गरम मसाले का यूज़ करा था, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आपको अचार देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, इसके जो मसाले मैंने लिए हैं काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए हैं, और बिल्कुल जो परफेक्ट क्वांटिटी है वो मैंने ली है। दिखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी चटकारेदार और काफ़ी टेस्टी अचार बना है। तो अब मैं इसको बर्नी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इस सारे अचार को मैं बर्नी के अंदर डाल लेती हूँ, और जब ये अचार जैसे जैसे पकेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। आप चाहें तो इस अचार में फिर बाद में भी जब ये पूरा अच्छे से नीचे बैठ जाए तो इसमें और तेल गर्म करके आप डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा समय तक चले। वैसे ये अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैं तो इसमें और ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करूँगी। इसमें मैंने नींबू भी डाला है तो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, प्लस मैं इसको धूप में रख के पकाऊँगी तो
तो धूप भी एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करती है और हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप अगर ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो आप इसमें जब ये सब्जियाँ बिल्कुल नीचे बैठ जाएँ तो आप इसके सब्जियों के ऊपर तक फिर से तेल डाल सकते हैं, उसको थोड़ा गर्म करके और ठंडा करके। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अचार बर्नी के अंदर निकाल लिया है और यहाँ पर आप छोटी सी प्यारी सी बर्नी देख रहे हैं डाइनिंग टेबल पे जो हम अचार के लिए यूज़ करते हैं। तो डाइनिंग टेबल वाली बर्नी में मैंने यहाँ पर अचार इसमें भी डाला है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब मैं इस बर्नी के ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और जब भी अचार पक जाए और आप खाएँ तो जो भी आप चम्मच वगैरह यूज़ करें तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और पुछी होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से पहुँच कर फिर आप अचार में डालें तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो इन छोटी छोटी अगर आप सावधानियों को रखेंगे और बीच बीच में आप इस अचार को धूप लगाते रहें तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें और तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब जो बर्नी है इसका ढक्कन लगा दिया है, इसको ले जाके अब मैं धूप में रखती हूँ। तो ये देखिए धूप में लाके मैंने अचार को रख दिया है, इसको मैं 3 से 4 दिन तक धूप में रखूँगी। और जब आपका अचार तैयार हो जाए तो आप इसको बीच बीच में धूप ज़रूर दिखाएं और मैं इसको रोज़ थोड़ा सा हिला दूँगी ताकि ये नीचे बैठ जाए। और अच्छे से जब ये पक जाएगा तो अगर आप चाहें तो आप इसमें तेल डालें या आप इसको ऐसे ही खाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको 4 दिन के लिए रखूँगी। आप जैसे कि पीछे खेत देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड जब हम ताज़े सब्जियाँ लेकर खेतों से और अचार बनाते हैं तो अचार और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा टेस्टी सा हेल्दी मिक्स अचार पंचमेल अचार बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको इस रेसिपी से बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।